उदयपुर जिले के गिंगला में बस स्टैंड के पास एक गारमेंट्स की दुकान पर अचानक आग लग गई, जिससे 3 मंजिला शोरूम धू धू कर जलने लग गया। इस दौरान मौके पर कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर आसपास की तहसील बिंडर कानोड़ और सलूम्बर से फायर ब्रिगेड के दर्जनों फेरे कर आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक लक्ष्मीलाल नागदान ने बताया कि आग लगने से करीब 50 लाख से भी अधिक का नुकसान हुआ है, वहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जेसीबी की मदद से आग से जले हुए कपड़ों को हटाकर सफाई की जा रही है, ताकि फिर से कोई चिंगारी आग का रूप ना ले ले।